नमस्कार, दिनभर की टॉप खबरों के लिए जिला टॉप में आपका स्वागत है। तो आइए रुक करते हैं दिनभर की खास खबरों की। पहली खबर में आपको बता दें कि आज गोड्डा के ललमटिया जवाहर नवोदय विद्यालय का कक्षा 6 का प्रवेश परीक्षा महागामा के अलग अलग सेंटरों में संपन्न हुआ। इस दौरान अलग अलग सेंटरों में सैकड़ों बच्चों ने इस परीक्षा में भाग लिया, वहीं कई बच्चे परीक्षा में अनुपस्थित भी रहे। वहीं महागामा के अलग अलग सेंटरों में अलग अलग मजिस्ट्रेट की बहाली भी की गई थी। साथ ही हरेक सेंटरों का निरीक्षण महागामा अनुमंडल पदाधिकारी जितेंद्र कुमार देव, कार्यपालक दंडाधिकारी एजाज अहमद, महागामा अंचलाधिकारी रंजन यादव ने किया। मौके पर जिस कक्षा में अंधेरा था, वहीं अनुमंडल पदाधिकारी व दंडाधिकारी द्वारा तुरंत ही उस कमरे में बिजली की व्यवस्था कराए जाने का निर्देश भी दिया गया। दूसरी खबर में आपको बता दें कि गोड्डानगर थाना के सामने नो एंट्री तोड़कर भाग रहे ट्रक को पुलिस ने जब्त किया। पुलिस ने करीबन 1 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद ट्रक को भागलपुर रोड स्थित पेट्रोल पंप के नज़दीक से जब्त किया। पुलिस जवानों ने बताया कि ट्रक जितनी स्पीड से भाग रहा था कि कई लोग इससे दुर्घटना से भी बच गए। फिलहाल ट्रक को जब्त कर नगर थाना लाया गया। क्या आप IIT, JEE, नीट या 11, 12 की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं? अगर हाँ तो आज ही ज्वाइन कीजिए साउथ इंडियन इंस्टीट्यूट चैतन्य क्लासेस देवघर। जी हाँ, अब आपके नजदीकी शहर देवघर में चल रहा है चैतन्य क्लासेस, जहां इन सभी कोर्सेज की बेहतर तैयारी करवाई जाती है। कोरोना महामारी के इस दौर में आपको दूर शहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब बड़े बड़े शहरों की सारी सुविधाएं आपको यहां ही मिल रही है। तो अपने बेहतर भविष्य के लिए आज ही ज्वाइन कीजिए चैतन्य क्लासेस देवघर। तीसरी खबर में आपको बता दें कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी स्वतंत्रता दिवस पर परेड से पहले परेड का पूर्वाभ्यास गोड्डा के गांधी मैदान में किया जा रहा है। हालांकि इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में बच्चे को परेड में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई है। वहीं पुलिस जवानों द्वारा परेड के अभ्यास में मेजर सर्जेंट संदीप कुमार के साथ जिला पुलिस जवान, IRB जवान, महिला जवान और होमगार्ड के जवान शामिल हुए। अगली खबर में आपको बता दें कि बीते दिन NTPC के रेलवे कर्मचारी द्वारा गेट नंबर 6 के रेलवे ट्रैक पर धरना दिया गया था, जो धरना प्रदर्शन अब तक जारी है। कर्मचारियों का कहना है कि रेलवे में जो लेबर कॉन्ट्रैक्ट लिए थे वह NTPC अधिकारियों के विरुद्ध मनमाने ढंग से वेतन में कटौती करने के कारण धरना प्रदर्शन किया गया था, जिसके बाद बीते रात लाल झंडी लगाए रेलवे कर्मचारी शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिसकी सूचना नियमता सभी पदाधिकारियों को भी दी जा चुकी थी। इसके विरुद्ध ललमटिया से कोयला लोड कर आ रहे ट्रेन NTPC की ओर जा रही थी, तभी धरना प्रदर्शन कर रहे रेलवे कर्मचारी जो लाल झंडी लगाए हुए लाल झंडी को रौंदते हुए ट्रेन पार कर गई। कई कर्मचारी बाल बाल बच गए। इसी क्रम में NTPC के अधिकारियों से सवाल करने पर उनसे कोई भी जवाब न मिला और कर्मचारी भागते दिखे। और अंत में आपको बता दें कि गोड्डा के हरिपुर में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। यह तस्वीर है गोड्डा बसंतराय मुख्य मार्ग से आ रही है, जहां दो पक्षों के बीच मारपीट हो रही है। मिली जानकारी के मुताबिक आपसी विवाद के कारण दोनों गुट आपस में भिड़ गए। परिवार में कई लोगों द्वारा मिलकर एक युवक की जमकर पिटाई भी की गई है।